अभी तक हम लोग को 2 महीने का पेमेंट दिया नहीं है। हमारा घर भाड़े का है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। आज मेरे को 2 दिन का मोहलत दिया घर मालकिन ने, अगर 2 दिन में मेरे को पेमेंट पैसा नहीं देगी, बोरा बिस्तर उठाने का और घर से बाहर निकलने का। मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट 7 MMRDA द्वारा शुरू किया गया एक प्रकल्प है। इस काम के लिए कंपनी ने कई प्राइवेट कंपनियों को ठेका दे रखा है। इसी कड़ी में सुमित सेफ सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और NCC लिमिटेड नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ट्रैफिक वॉलंटियर को भारी संख्या में सड़कों पर सुरक्षा है नियुक्त की है, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से इन ट्रैफिक वार्डनों का पगार नहीं मिल रहा है, जिसके कारण यह देखिए टाटा पावर मागाठाने फ्लाईओवर के नीचे सुमित सेफ सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के तहत कार्य करने वाले लगभग 50 से अधिक ट्रैफिक वार्डन पगार के लिए पिछले 3 दिनों से NCC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सामने आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सकारात्मक उत्तर कंपनी की तरफ से नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उक्त कंपनी में काम करने वाले ट्रैफिक वार्डन काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कई महिला कर्मचारी भी हैं। इस संबंध में सुमित सेफ सिक्योरिटी सर्विसेज के सुपरवाइजर का क्या कहना है और इस कंपनी में कार्यरत महिला और पुरुष वार्डनों का क्या कुछ कहना है, आइए हम आपको सुनाएंगे। लेकिन NCC प्राइवेट लिमिटेड के संबंधित कर्मचारियों से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी जवाब देने से इनकार कर दिया। पेश एक खास रिपोर्ट। किशोर जी, क्या कहना है आज आपका, आपने मुलाकात की? हम लोग आए थे इधर पेमेंट के लिए, हमारा 6 बजे का पेमेंट बाकी है, तो आज कर करके तो दिन को ढकल दिया है। तो सब आए कल पेमेंट मिले करके, लेकिन अंदर जा रहा तो अंदर बात कर रहे तो बोलते पेमेंट हम लोग का था ही नहीं, हम लोग कुछ आई नहीं, हम लोग का काम किया ही नहीं, बोला क्योंकि बिल सब पे है, सब सबमिट किया है, बिल का कुछ कर रहा नहीं, कुछ कर रहा नहीं, कुछ बता रहा नहीं। और अगर कांटे साहब से बात करें तो वो बोलते हैं कि मैं बिल ले रहा हूँ, ये बोल रहे कांटे साहब बोले तो मैं बिल नहीं लूँगा, समझ में नहीं आ रहा कि जानेगा किसके पास। आप जब ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं तो कुछ उसका हाजिरी लगता होगा, रजिस्टर होगा? चौकी में तो रखता है, सब अटेंडेंस है चौकी में, हर एक को मालूम है, सीनियर का भाई नहीं हमारे पास। फिर कैसे बोल रहे हैं कि आपने काम नहीं किया, ये लोगों ने कर्मचारियों ने काम नहीं किया? तो सिर्फ हाथ ही उड़ा रहे ना कि हम नहीं किया, इसको क्या करने का डायरेक्ट। आप लोग जब यहाँ पे आते हो, काम करते हो, मास्टर है, सब कुछ है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि काम नहीं किया? ये लोग सिर्फ ऐसे बोल रहे हैं काम नहीं किया, हम लोग बता रहे ना कि हम लोग सही करके सीनियर का साइन है रजिस्टर पे, सीट पे साइन होगा, सब कुछ आप लोग आया करके सीनियर बताएगा, चौकी में जाके पूछ सकते हैं। लोग रोड पे खड़ करके काम कर रहे हैं, लेकिन सबका अपना अपना हाल बेहाल है, इधर पब्लिक ऐसे हो गए कि घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि काम नहीं किया है लोग? अब उन लोगों को पता था ना क्या हुआ है, क्योंकि असल में लोग छोड़ के नहीं बोल रहे, सिर्फ बोल रहे हमको मालूम नहीं, मतलब आया ही नहीं, काम किया ही नहीं, डायरेक्टली बोल रहे हम लोग तुमको तो देखा ही नहीं। काम सब वार्डन तो काम कर रहे हैं, सब वार्डन काम कर रहे हैं, सर्व वार्डन जी अटेंडन्स चौकीला लागते सकाळी, आणि ती पूर्ण अटेंडन्सची जी रजिस्टर आहे ते इन्चार्जकडे असतं, आणि इन्चार्ज सर्वांची हजेरी लावतो, त्याप्रमाणे बिल बनवलं जातं, सिनियरचं सही शिक्का असतो त्या बिलावर, आणि ते बिल जेव्हा आमच्या ऑफिसला जातं तेव्हा त्या ऑफिसमधनं ते बिल इथे यांच्याकडे पाठवलं जातं, यांच्याकडे पाठवल्यानंतर हे लोक पुढे काय करत नाही, आणि ते पेमेंट थांबून ठेवतात, पुढच्या महिन्यात देतात करून बोलतात, पण देत नाही देत, त्याच्या वजीने आम्हाला प्रॉब्लेम होत आहे बाकीच्या वॉर्डनला पेमेंटसाठी, कारण घर चालू शकत नाही, तर आताची महागाई एवढी झाली आहे, त्याच्या वजीने आमचं घर कसं चालणार हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आमच्यासाठी प्रश्न पडलेला आहे। भाड्याचं घर असला बाई, आमची अवस्था आता अशी झालेली आहे ना की कुणाला न सांगता कुत्र्यासारखी अवस्था झालेली आहे, सकाळची उपाशी तपाशी आम्ही पगारासाठी 2 दिवसापासून फिरतोय, आणि आम्ही 16 तास ड्युटी करतो, 16 तासाचे आमची 2 महिन्यापासून
पेमेंट अडकलं आहे, विचार करा की आमच्यावरती काय बीतत असणार. आणि त्यात पोरांची एक्झाम आली आहे, त्यांना फी भरायची आहे, घरामध्ये रेशन संपलं आहे, 2 महिन्यापासून ते रेशन भरायचं, घराचं भाडं द्यायचं आहे. आता 2 दिवसात जर मी घरमालकीतला पैसे दिले नाही तर मला घराबाहेर काढणार, मी कुठे जाणार होतं जाऊन राहणार आता पोराबाळांना घेऊन माझ्या. मला सर्वात मोठा मुद्दा हा झालेला आहे. आणि जर तुम्हाला खोटं वाटलं तुम्ही ज्या पॉईंटला आम्ही कामं करतोय तिकडच्या चौकीमध्ये जाऊन तुम्ही विचारू शकता की ह्या लेडीजांनी इकडे काम केलंय किंवा या व्यक्तीने इकडे काम केलं की नाही. ते आमचे स्वतः आम्ही ज्याच्याबरोबर कामं करतो ते सर तुम्हाला सांगतील की ह्या लेडीजांनी इकडे काम केलं की नाही. आता आतमध्ये बोलतात आम्ही यांना ओळखत नाही, पण आम्ही ज्यांना ओळखतो आम्ही त्यांच्याकडनंच पेमेंट मागणार. आता करायचं काय हे बोलतात आम्ही कामं केले नाही आणि आम्ही सांगतो आम्ही कामं केले. आता कुणाला खरं सांगायचं आणि कुणाला खोटं सांगायचं, आम्हाला दुसरं काय नाही. आम्हाला सुपरवायझरकडनं काही हे नाही आहे, कारण की त्यांच्या हातामध्ये जर पेमेंट आला तर ते आम्हाला देतात. जर त्यांच्याच खिशामध्ये पेमेंट आलेलं नाही तर ते आपल्या घरातून काढून आम्हाला पेमेंट करणार नाही. ही गोष्ट खरी, आम्ही सुपरवायझरांना दोष देत नाही, देतो तर आमच्या कंपनीला दोष देतो की आम्हाला अजून पेमेंट दिलेलं नाही.